लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। कौशाम्बी जिला के थाने सराय अखिल पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त प्रयास से हथियार बंद होकर चोरी लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 5 साथी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके लिए एसपी कौशाम्बी की तरफ से गिरफ्तार करने वालों की टीम 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। बीते 17 तारीख को सराय अकील थाना क्षेत्र के बेनीराम कटरा में पेट्रोल पंप कर्मी से की गई लूट में शामिल अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया, जबकि गैंग के एक सदस्य जफर आलम, जिसकी बीते दिनों पिपरी थाना क्षेत्र के मीरपुर में हुई घटना में मौत हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी कौशाम्बी ने बताया कि अपराधियों का यह गैंग रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक मोटरसाइकिल सवार होकर सक्रिय रहता था और संगठित होकर घटनाओं को अंजाम देता था। यह लोग टारगेट पहले से नहीं बल्कि सक्रिय रहने के दौरान अचानक सेट करते थे और घटना को अंजाम देते थे। इस दौरान सभी अपने चेहरों को पूरी तरह से ढक कर रखते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा कारतूस के साथ साथ घटना में प्रयोग होने वाली बाइक भी बरामद हुई है। इन सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही एसपी हेमराज मीणा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए देने की बात भी कही है। कहां से पकड़ा गया, क्या क्या बरामद? देखिए, दिनांक 17/3/2022 को रात्रि करीब 10:30 और 11 के बीच में बेनीराम कटरा थाना सराय अकील क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें एक एसआर के पेट्रोल पंप से 6 लोगों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर 6 लोग आए हैं और उनके द्वारा जो पेट्रोल पंप पे जो वहाँ पे उनके मुनीम थे उससे 5,000 रुपये लूटे और उनका मोबाइल लूट के लोग ले गए थे। इसी पे थाना सरायकल में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और तभी हमारी जो एसओजी टीम है और थाने की जो टीम है वो लगातार इस पर काम कर रही थी। आज 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक है महेंद्र केसरवानी, ये थाना करेली प्रयागराज के रहने वाले, मोहम्मद शाहनवाज उर्फ शानू, मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद सरफराज, समीर पुत्र मोहम्मद यूसुफ और एहतेशाम अंसारी पुत्र रईस, ये सभी लोग थाना करेली के रहने वाले हैं और प्रयागराज जनपद के रहने वाले हैं। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी ये थी कि रात्रि करीब 8 बजे ये शाम को निकलते थे और सुबह 5 बजे तक जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ ये इस तरह की घटनाएँ, किसी से मोबाइल छीन लेना या किसी से इस तरह की घटनाएँ लगातार करते रहे जनपद में, जो कि कुछ घटनाएँ रिपोर्ट हुई, कुछ घटनाएँ नहीं रिपोर्ट हुई। और इनकी जो जानकारी की गई इनसे, तो ये जानकारी मिली कि इनके द्वारा ही ये जो लूट और डकैती की जो घटना थी इनके द्वारा कारित की गई। जफर आलम जो थाना पीपरी क्षेत्र में एक घटना 21 तारीख में घटित हुई थी, जिसमें कि एक लव अफेयर को लेकर एक घटना हुई और उसमें मारपीट हुई और मारपीट में ये उसमें इनकी मृत्यु हो गई है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना पीपरी में। तो कुल मिला के 6 लोग थे और 6 लोगों के द्वारा इस तरह की जो घटना कारित की जा रही थी, आज इनकी गिरफ्तारी की गई है। और गिरफ्तारी करने के बाद में इनके पास से करीब 8,500 रुपया, 2 तमंचाएँ 315 बोर और 4 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर और एक मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो जो कि उस घटना में प्रयुक्त हुई थी वो इनसे बरामद की गई है। और हमारे थाने की और जो हमारी एसओजी की टीम है उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इसमें से महेंद्र केसरवानी है, ये बहुत पुराने अपराधी हैं, 2005 से इनके ऊपर एक्सप्लोसिव एक्ट और 307 और तमाम इस तरह के जो अपराध इनके ऊपर हैं, करीब 8-9 मुकदमे इनके ऊपर से पहले से थे। और जो दूसरे मोहम्मद शाहनवाज और शानू, इनके ऊपर भी 2 अपराध पहले से पंजीकृत थे, इसमें 307 का है और 343 323 504 506 का। ये एक सभी लोग एक गैंग के तरीके से काम करते थे और इस तरह के टारगेट को इनके द्वारा चिन्हित किया जाता था, जो नॉर्मली पुलिस के पास में कंप्लेन ना करे और छोटी छोटी घटनाएं जिसमें 2,000-3,000 या किसी का मोबाइल छीन लेना और राह चलते व्यक्ति को टारगेट बनाते थे, जिससे कि वो व्यक्ति अपना किसी काम में बिजी रहे। और इनकी उम्र बहुत कम थी, तो क्या सोच के ये लूट कर देखिए, ये इनमें जो मेन जो इनके जो सरगना है ये महेंद्र केसरवानी, ये बहुत पुराने अपराधी हैं, उनकी उम्र करीब 45 साल के आसपास में है। इन्हीं के साथ में ये शाहनवाज और शानू हैं, ये भी काफ़ी इनके विरुद्ध भी मुकदमे रहे हैं। और बाकी जो लोग हैं वो इन्होंने अपने नई गैंग में, क्योंकि इनकी गैंग में और भी सदस्य जिनकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, करीब 10 से 15 लड़के हैं जो कि डिफरेंट ये अलग अलग जैसे ज़रूरत होती है उपलब्धता के आधार पर उनको साथ में ले जाके इस तरह की घटनाएँ कराना, जिससे कि पकड़े भी ना जाएँ और रेगुलर इनकी जो डे टू डे की जो आवश्यकता है, जैसे कि शराब पीना और तमाम जो इनके खर्चे हैं और मोबाइल और ये गाड़ी पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ों की जो आवश्यकता है इनकी पूर्ति, ये लगातार इस तरह से करके जुआ खेलना ये सब चीज़ें इनका शौक है। तो ये घटनाओं में इनके द्वारा इस तरह के सभी लोगों को, जो नए नए उम्र के लड़के हैं उनको भी इनके द्वारा इसमें शामिल किया। सर, जफर आलम का जो नाम है, इससे पहले उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था?
तो अभी ये जो घटना हुई है इसमें लिप्त है ये, तो बयान के आधार पे आए हैं या इनके घर से कुछ बरामद हुआ? देखिए इसमें पेट्रोल पंप पे जो लूट हुई थी वहाँ पे इनकी जो मोटरसाइकिल जो उस घटना में प्रयुक्त हुई थी वही मोटरसाइकिल उस दिन घटना में जो थाना पिपरी में जो मीरपुर में घटना हुई थी वही मोटरसाइकिल वहाँ पे भी इनके द्वारा उसको यूज किया गया था जो कि इनकी ही मोटरसाइकिल है। एक तो इससे इनकी शिनाख्त हुई है और दूसरा जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इन्होंने भी इस चीज़ को तस्दीक किया है कि वो हमारे साथ में था और जो मोटरसाइकिल चलाने वाले जो दो लोग थे उनमें से एक व्यक्ति जो वाइट कलर की जो अपाचे मोटरसाइकिल है वो चलाने वाला जफर ही था। और जफर ने इस तरह की कई घटनाएं करी हैं लेकिन चूंकि जिस तरह की मैंने बताया कि ये छोटी छोटी घटनाएं होती थी तो इसमें कंप्लेन नहीं होती थी इसलिए अभी तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत कहीं नहीं किया गया था।